स्पेस। ओके, तो यहां पे एरर तो नहीं आया, लेकिन जो हमें चाहिए था वो भी यहां पे आया नहीं है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे एरर नहीं आया, लेकिन व्हाट वी वांटेड इज कि श्रीधर के साथ यहाँ पे आगे हम फाइव भी भाई देखना चाहते थे, बराबर है? लेकिन फाइव हमें दिखा नहीं। सो दैट मीन्स जो एग्जीक्यूशन हमें मिला है, जो आउटपुट हमें मिला है, इट वॉज नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। ओके, तो अभी उसके लिए हमें क्या करना है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से प्लेस होल्डर लगाना है। प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, कहने का मतलब ये है कि वेयर वी वॉन्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो फाइव है, वो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इन द आउटपुट स्क्रीन कहाँ पे प्लेस होना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को विद द स्ट्रिंग, वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो विद दीज टू कर्ली ब्रैकेट्स। वो यहाँ पे आप इन दो कर्ली ब्रैकेट्स को प्लेस करके मेंशन करते हो। और अभी जब मैं उसे प्रिंट करूंगा, तब मुझे अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाई देगा। पहले श्रीधर के आगे कुछ नहीं दिख रहा था, अब आपको दिखेगा फाइव। हैव यू सीन दिस? ओके, तो यही था वो आउटपुट जो एक्सपेक्टेड था हमें। अगर मैं अभी इसे कहीं और लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट इन द एंड, आई वॉन्ट इन द स्टार्टिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, बता दो प्लेस की उस इंटीजर वैल्यू को कहां पे रखना है, बात खत्म। तो चाहे वो आप स्टार्ट में लगाओ, एंड में लगाओ, मिडल में लगाओ, कहीं भी लगाओ, जो भी। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइव आ गया पहले, ठीक है। इसी तरीके से आप कईयों के दिमाग में सवाल आता है कि भैया फॉर्मेट जो ये फंक्शन है, क्या ये एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है या फिर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है? सो लेट्स ट्राई एंड चेक इट कि वो क्या एक से ज्यादा वैल्यूज भी ले सकता है। लेट्स से यहाँ पे मैं 10 करता हूँ और फिर एक और वैल्यू वेरिएबल पी लेता हूँ, उसको भी वैल्यू में 12 देता हूँ, इस तरीके से। नाउ वी विल ट्राई टू पास 3। ओके, इस तरीके से। और मैं एक श्रीधर के पहले एक वैल्यू रखना चाहता हूँ, फिर श्रीधर के बाद एक वैल्यू रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे एकदम मिडल में जो है एक वैल्यू रखना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी उसी वे में आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स भी देने होंगे, मतलब 0, 1 और 2, दीज आर द आर्ग्यूमेंट ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू प्लेस। मतलब क्या कि अगर मैं आर पहले रख रहा हूं, तो मतलब आर की जो वैल्यू है फाइव, वो पहले इस 0th इंडेक्स पे प्रिंट होगी, बराबर है? उस पर्टिकुलर प्लेस पे इंडेक्स होगी जो कि हमने कर्ली ब्रैकेट से रिजर्व कर रखा है। ओके, तो आर का तो हो गया भैया कि वो जो 0th पोजीशन है यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अगला आर्ग्यूमेंट क्या, अगला आर्ग्यूमेंट जो होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं टी टी वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 है, उसे मैं बिठाना चाहता हूँ एट पोजिशन 1, विच इज हेयर स्पेसिफाइड। ओके, उसके बाद फिर अगले पे जाते हैं, अगला बोलता है भैया पी, मैं बोलता हूँ पी मुझे वेरिएबल जो वैल्यू है 12, वो बिठानी है इस लास्ट पोजीशन पे, यानी कि जो सेकंड पोजीशन है वहां पे मुझे उसे बिठाना है। तो 0 पोजीशन फिक्स हो गया जहां पे आर बैठेगा पहला, फिर 1 हो गया जहां पे टी बैठेगा, और फिर पी हो गया जो कि लास्ट वाला सेकंड पोजीशन होल्ड करेगा। तो इस सीक्वेंस में ही आपको यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब जैसे ये हो जाता है, हम लोग उसे रन करते हैं और फिर आप उसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। ओके, 5 हो गया, 10 आ गया और 12 आ गया, बराबर है? अब आप इसको मिक्स भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे यहाँ 0 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मुझे यहाँ पे बीच में 0 चाहिए, और ये 2 को ऐसे रहने देते हैं। मतलब क्या कि 0 यानी जो मेरा पहला जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जो वैल्यू है मुझे इस यहाँ पे चाहिए, बीच में चाहिए, और ये जो फर्स्ट यानी कि 0 के बाद जो 1 यानी कि टी, यहाँ पे इस केस में जो आर्ग्यूमेंट टी है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए इस स्ट्रिंग में, और फिर फाइनली पी की जो वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड, एज पर योर पर्पस, जो आपको सर्व करेगा। इस तरीके से 10 आ गया, फिर 5 जो है यानी कि आर की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई, और फिर 12 आ गया, इस तरीके से। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट दोस्तों। स्ट्रिंग के बारे में जितनी भी चीजें मुझे पता है, मैं आपको बता सकता था, वो सारी वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दी है, जो कि आपकी बहुत काम आएंगी आगे जब आप पाइथन में काम करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, तो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई ये सारी बातें आपके काम आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।